आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बाहर से आए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सभी के सामने नशे पर जो एक गंभीर समस्या है उस पर दो शब्द कहना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। भारत में आज के वर्तमान समय में नशे का तनाव युवकों में सबसे अधिक होते जा रहा है। आज भी युवा वर्ग नशे धूम्रपान को अपनी शान समझते हैं। नशा करने वाला हर व्यक्ति अपना मान सम्मान सब कुछ खो देता है। नशे ने हमारे पूरे देश को घेर लिया है। नशे के कारण कोई भी अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाते और गलत राह पर चलने लगते हैं। हमारे देश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और उन्हें नशे के जाल से बाहर निकालने के लिए और लोगों को नशे से मुक्त कराने के लिए देश के अंदर बहुत से नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं। नशीले पदार्थ बेचने तथा खरीदने वालों को हमें कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए परिवार, समाज तथा देश को एक साथ मिलकर कोशिश करनी होगी। नशा कई तरह का होता है, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि। आज युवाओं में नशे का प्रचलन बहुत अधिक मिलता है और इसका मुख्य कारण है विदेशों से प्राप्त हमारे संस्कार। युवा वर्ग आज नशे को अपना फैशन समझते हैं। युवा वर्ग समझते हैं कि अगर हम नशा करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वे ये नहीं समझते कि नशा हमारे लिए कितना हानिकारक होता है, हमारे शरीर को कितना नुकसानदायक होता है। इन्हीं कारणों के कारण नशे ने हमारे पूरे देश को घेर लिया। कई बार जब युवा दूसरों को नशा करते हुए देखते हैं तो वे भी नशे की ओर आकर्षित होते हैं। हमें नशे के प्रति अपने युवाओं को जागरूक करना होगा और अपने समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए कदम उठाना होगा। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे है आना। नशा है एक बहुत बुरी लत, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जैसे बेटियां इस चीज से दूर है हमारी, लेकिन आपके भाई बहन या माता पिता है अगर कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति से है तो उस पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करनी चाहिए आपको। खास करके अपने भाइयों का जरूर ध्यान रखो। जब आपको एहसास हो जाता है कि ये कहीं गलत संगत में जाता है तो तुरंत माता पिता के सामने चर्चा किया करो उसकी, नहीं तो फिर वो एक बार नशे में जो पड़ जाता है ना, फिर वो बढ़ता ही चला जाता, फिर छूटने का नाम नहीं लेता। बहुत अच्छा बिटिया ने प्रकाश डाला नशे के ऊपर। अब मैं रचना बिटिया को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी किसी ऐसी बात को रखे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बाहर से आए हुए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग अधिकारी और अध्यापक अध्यापिकाएं, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, आज मैं आपके सामने रोड सेफ्टी के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और इन पर अमल भी करेंगे। आज के समय में सड़क शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। आज सड़कों पर गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी काफी हो रही है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हमें सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क पर अपने वाहन को चलाना चाहिए। इससे दुर्घटना की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब हम ये समझेंगे कि सड़क सुरक्षा है क्या। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने हमारे लिए सड़क सुरक्षा के कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है। इनमें से कुछ नियम है, जैसे हमें सड़क के बाई ओर चलना चाहिए। जब कभी हम पैदल चल रहे हैं तो हमें सड़क पर फुटपाथ पर चलना चाहिए, और कभी हम जब दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो हमें हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए, और हम जब कभी कार आदि जैसा कोई वाहन चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जब हम कोई वाहन चला रहे हैं तो हमें अपनी गाड़ी की गति को भी नियंत्रण में रखना चाहिए। जब हम ऐसे नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने साथ साथ और यात्रियों की भी जान की रक्षा करते हैं। इस प्रकार हम सड़क को और भी सुरक्षित बना सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सड़क सुरक्षा का तुम रखो ध्यान, दुर्घटना से न जाए किसी की जान। सुरक्षा विषय सुरक्षा, क्योंकि हर व्यक्ति बाद सड़क के ऊपर निकलना पड़ता है और वहाँ ध्यान रखेगा तो जान है तो जान है। अगर उसकी जान बची रहेगी नियमों का पालन करते हुए तो काफी लंबे समय तक अच्छा जीवन जी सकता है। रचना का बहुत बहुत धन्यवाद। अनु
आइए अब सोशल मीडिया के बारे में कुछ विचार हम किया। बहुत ही आदर में सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और बाहर से आए स्वास्थ्य विभाग अधिकारी और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को सोशल मीडिया के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप इन पर गौर करें। सोशल मीडिया हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से हमें अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा सोशल मीडिया में हमें किसी भी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सोशल मीडिया शिक्षा का एक अच्छा उदाहरण माना गया है। सोशल मीडिया के द्वारा हम किसी भी कोने में बैठकर अपने प्रियजनों से बातें कर सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे जीवन में हो रही दुर्घटना के बारे में, किसी के साथ हो रही कुछ संबंधी समस्याओं के बारे में बताता है। सोशल मीडिया शिक्षा के द्वारा एक अनुकरण माना गया है। सोशल मीडिया के हमें कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसके द्वारा हमें अनेक उपाय करने पड़ते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा लोग अपने समय को बर्बाद करने लग गए हैं, जिसके द्वारा सोशल मीडिया की लत लग जाने पर छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। सोशल मीडिया की लत छुड़वाने के लिए अनेक प्रयास किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग ज्यादातर एक्टिव रहते हैं, जिनसे वे अपने माता पिता की बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। और अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर हम सोशल मीडिया का अच्छे से उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए वरदान है, लेकिन कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है तो वह हमारे लिए अभिशाप है। आज हम सोशल मीडिया पर यही कहेंगे कि आप अगर उसका कैसे उपयोग करते हैं आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद। वास्तविक दिन की बीमारियों की चर्चा हो रही थी, वो इसी के कारण सारी बीमारियां सोशल मीडिया के कारण। इसे थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिए। हमारे आज के विषय थे किशोरावस्था में बदलाव, अनीमिया यानी खून की कमी कह सकते हैं, नशा, मानसिक स्वास्थ्य, रोड सेफ्टी, सोशल मीडिया, माहवारी और किशोरावस्था में पोषण। तो इसके बारे में हमारी बेटियों ने चार्ट भी तैयार किए थे। अब प्रतियोगिता होती है तो उसमें सारे ही बढ़िया है, तो भी उनमें से बढ़िया वैसे भी फिर जो ज्यादा अच्छा है उसके हिसाब से हमने उनको मार्क करना होता है। इसमें बात हुई थी नशे के ऊपर, नशे के बारे में आपको बताया नुकसान क्या होता है। वो कहते हैं किशोरावस्था एक चाहिए का दौर, निर्भर करने का दौर होता है, तो वो चीज मैन है। अभी मेरी जो लड़की है उसमें मिरांडा कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ लड़कियां ना सिगरेट पीती हैं, ठीक है, अप्रूव पीती हैं कि वो बीयर बनाती हैं, लड़के जो बीयर बनाते हैं वो सारा जो नशे का काम आजकल जो है, एक तो पीयर प्रेशर है कि इस उम्र में दबाव इतना होता है दोस्तों का कि हम ना चाहते हुए बिखर जाते हैं, और बिखरते वो लोग हैं जिनके खुद के निर्णय नहीं होते, उनको खुद पर विश्वास नहीं होता, जिनको लगता है कि दोस्तों पर दोस्त ही सब कुछ है। तो हमेशा इस उम्र में दोस्तों को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपकी लाइफ का पार्ट है दोस्तों, बनेंगे आपके जरूर बनेंगे, आप जब तक रहोगे तब तक बनेंगे, लेकिन अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे दोस्तों तो आप बिखर जाओगे। सेकेंड है ग्लैमराइजेशन कि आप किसको मारा जाए, लड़की इंस्टाग्राम पे रील बना के सिगरेट पीते हुए आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो बहुत सारे रीजन है जो इसमें ग्लैमर रीजन में हरियाणवी गांवों के कारण हमारे जो किशोर है वो काफी ना सीख रहे हैं और उसी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जिसे लड़ना आपने, एक तो आपने अपने सकल से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दबाव आपके ऊपर आता है। ये रिसर्च में है कि इस उम्र में जो दबाव होता है वो दोस्तों का होता है। एक लड़का था ना चाहते हुए क्राइम में फंसना चाहता था, लेकिन फंस गया, क्यों दोस्तों का दबाव। पॉक्सो एक्ट के जितने मामले होते हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए होते हैं। पॉक्सो एक्ट होता है 18 साल से कम बच्चों के साथ कोई भी घटना घटती है, क्राइम होता है, तो वो पॉक्सो एक्ट में आता है। उसमें मेन होता है सोशल मीडिया का रोल, क्यों होता है, क्योंकि जो भी लड़का लड़की कोई पोस्ट करता है उसको इसकी टर्म एंड कंडीशन नहीं पता होती, या वो बिना सोचे पोस्ट कर देते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि आपकी जो फोटो आप डाल रहे हो उसको कौन कौन यूज कर रहा है। आजकल सॉफ्टवेयर इतने आ गए तो एडिट करके आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो बहुत सारे हैं सोशल मीडिया, फिलहाल आप उससे थोड़ा जितना ज्यादा बच सको उतना बचो, अदरवाइज सोशल मीडिया के कारण घर में अगर आप चले गए हो तो आपको वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। जो कोई भी फेक एप्लीकेशन, कोई फालतू की एप्लीकेशन अपने फोन में मत चलाओ, सिर्फ अपनी स्टडी से जुड़ी हुई
चीजें इसमें रखो, अदरवाइज सोशल मीडिया का ऐसा बन रहा है कि लेवल की जो हमारे खासकर किशोर और किशोरी को बिल्कुल ही खाता जा रहा है, क्योंकि हर घंटा एक घंटा हमने फोन देखा नहीं, जब हमने फोन छोड़ा 3 घंटे हो चुके थे, ठीक है ना। तो वो 3 घंटे हमारे मेंटल हेल्थ को खराब करेंगे, हमारे खुद की प्राइवेसी को भी लीक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया और नशा ये दो चीज ऐसी है कि इसमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो बेटियां जिन्होंने इनके ऊपर चार्ट तैयार किए थे, एक बार आगे भी आ जाएंगे और चार्ट यही रखे मैंने, तो चार्ट लेके फोटो हो जाएगा ग्रुप फोटो का, मानसी संजय ने मीनाक्षी प्रवीण की सबका ग्रुप फोटो लेके फिर फंसे, मानसी तन्नू विजेंद्र की